स्टे वाज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्टे था और बहुत ज़्यादा एक तजुर्बे, ज़िंदगी का तजुर्बा लेके हम बिग बॉस के घर में गए थे और उससे ज़्यादा तजुर्बा बिग बॉस के घर ने हमें दिया। तो स्टे वाज लाइक हर रोज़ एक नया दिन था, नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो ऐसा स्टे किसी को ना मिले भाई। ओ मेरे हिसाब से वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे विनर अनाउंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। एंड आई कैन सो इमेजिन दैट यू नो दैट मोमेंट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हम इतना ग्रिलिंग और इतना मुश्किलों से गुजरते हैं ना पूरा हमारे स्टे में, कि मतलब ये सीजन तो खास करके सबसे लंबा रहा, 4.5 महीने के बाद ये जो खुशी मिलती है, आई थिंक इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग। और हमको फाइनलिस्ट होके इतना खुश, चैंपियंस हैं बेसिकली, वी आर चैंपियंस, वी फील मतलब हम खुद विनर्स हैं, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, दोनों साथ में बोलते हैं ना। आपको फीडबैक भी बाहर से जो है जब भी कभी कोई गेस्ट आते हैं तो अक्सर देखने को या पता चलता है वो जो बोलते हैं उससे समझ में आता है कि आप जो हैं, आपकी दिशा जो है वो सही है या गलत है, लेकिन इसके साथ साथ आप कहाँ तक जाने वाले हैं। तो जब मैं फ्लोर पर आया और आखिरी हम 3 बज गए थे, तब यकीनन हर किसी को जीतना तो जर्नी तो है ही कि वो जीते, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक गट फीलिंग होती है आपकी, कि जब आप फ्लोर पर आते हैं तो आपको गट फीलिंग आती है कि बॉस टुडे इज़ नॉट माई डे, जब मेरा दिन ही नहीं है तो अगर मुझे ऊपर वाला दोबारा चांस दे तो अपने इस दिन को कैसे, ये जो दिन है जो मेरा नहीं है ये मैं कैसे अपने लिए बनाऊँ। तो वो चांस मिला और उस चांस का जो है मैंने राइट डिसीजन उस वक्त लिया, ये जानते हुए कि मेरे फैंस, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो बहुत खफा और नाराज़ होने वाली है, और लेकिन इन द एंड ऑफ द डिसीजन तो था ही, तो राइट होगा रॉन्ग होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस वक्त मैंने लिया। और जब रजत जी ने कहा कि आप जो है नंबर 3 पर ही थे, तो लगा कि चलो डिसीजन जो था वो बिल्कुल करेक्ट और राइट टाइम पे आया। पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत उतार चढ़ाव हम सब ने देखे, बहुत ग्रिलिंग हुई, पर अच्छे मोमेंट्स भी थे। डे 1 से डे लास्ट तक हम साथ में थे, मैं, प्रीतम और गौतम, और वही फाइनली टॉप 3 थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था बिग बॉस का, मैं हमेशा डरती थी बिग बॉस में आने के लिए, पर फाइनली जब डिसीजन लिया तो अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैंने एक करेक्ट डिसीजन लिया। एक्चुअली मेकओवर हो रहा था हमारा, और हाकिम मलिम जो बहुत ही जाने माने स्टाइलिस्ट है, उन्होंने सोचा कि अगर मैं थोड़े से रेड बर्गंडी बाल करूँगी तो थोड़ी डिफरेंट लगूंगी, क्योंकि पूरे शो में मेरे बाल थोड़े से ब्राउन और ब्लॉन्ड थे, तो कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए उन्होंने मुझे ये लुक दिया है, तो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है। वॉज नाइस, मुझे हमेशा लगा कि मैं टारगेटेड थी, स्पॉटलाइट में आ रही थी, और बहुत ग्रिलिंग होती है, सबकी होती है बहुत ग्रिलिंग, तो जर्नी अच्छी थी। आई विल नॉट से वेरी गुड, आई विल नॉट से वेरी बैड, बट इट वॉज डिसेंट। बहुत अच्छी फीलिंग है यार, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों का, दर्शकों का प्यार मिला है मुझे और उनकी वजह से मैं जीत गया हूँ। ग्रेट फीलिंग, नहीं बहुत टफ रही और बहुत बेहतर भी रही। टफ इसलिए क्योंकि अंदर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, दोस्ती चाही तो दोस्ती मिली नहीं, पर और अच्छा इसलिए क्योंकि जो सपोर्ट बाहर मिला उसकी वजह से ये ट्रॉफी मेरे हाथ में। तो आई थिंक लोगों का प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस के घर के अंदर। अब रहो तो अंदर के लोगों का इतना सपोर्ट ना भी हो तो चलेगा, कुछ नहीं चल रहा था यार, जैसा मैं घर में रहा हूँ कि आर या पार वाले सिस्टम में, जो हो देखा जाएगा नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, मैंने इतना सोचता यार। तो वही हुआ कि मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, आई वॉज वेरी कूल अबाउट इट, और आई हैड अ फीलिंग ट्रॉफी मिलने वाली है, और फिर अनाउंस किया गया तो मुझे मिल गई ट्रॉफी। अरे मैंने तो शो पहले देखा ही नहीं है यार, अगर मैंने देखा होता तो मुझे पता होता, मुझे शो मैंने पहले देखा नहीं। स्टार्ट जब मुझे टीम ने सिलेक्ट किया तो मुझे बोला कि आप देखिए, तो मैंने 8-10 एपिसोड देखे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा देखेंगे हम, जा रहा हूँ जो होगा अंदर जाके देखा जाएगा, बट अच्छा हुआ कि वो जो हुआ, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेके जाओ तो वो वर्क नहीं करती, जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट बी अ गुड पार्ट ऑफ इट, जस्ट अपनी इंसानियत बनाए रखो अंदर जैसे आप इंसान हो बस।